हाँ जी यार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि यार बहुत ही बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में यार एक्चुअली ना मैं अभी हूँ टोक्यो के एरिया में। यार अभी ना मैं अपना एक्चुअली गाड़ी पिक करने आया हूँ पार्किंग एरिया से, बिकॉज लास्ट नाइट हम आए थे यहाँ पर टोक्यो एरिया में एंड हम आज स्टे कर रहे थे भैया के घर। सो मैंने अभी अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क करी थी लास्ट नाइट एंड यहाँ से हम अपनी गाड़ी पिक करके फिर चलते हैं भैया के घर। वहाँ से पिक करना है समृति एंड रियान को, फिर हमने जाना है अपने घर वापस, जो कि है अराउंड 1.5 आवर्स अगर हम जाएंगे हाईवे के थ्रू। अगर हम नीचे से जाते हैं, मतलब कि हाईवे नहीं यूज़ करते, तो हमें लगते हैं नॉर्मली 3 आवर्स, बट आज हम हाईवे यूज़ करने वाले हैं। जापान में ना काफ़ी फेमस है ये वाली पार्किंग, इसका नाम है टाइम्स पार्किंग। यार जापान में ना काफ़ी अलग अलग टाइप की पार्किंग सिस्टम वगैरह होती है एंड जहाँ पर हमने अभी गाड़ी पार्क करी है ना, वहाँ पर हमें इस टाइप की टिकट मिली है एंड जब हमने बाहर निकलना है ना, हम ये वाली टिकट ना मशीन में डालेंगे जाके एंड वहाँ पर जाके हमें अपना बिल वगैरह शो हो जाएगा ऑन द स्क्रीन एंड हमने पैसे डालेंगे तो गेट खुल जाएगा एंड आफ्टर दैट वी कैन गो आउट। एक बारी मैं आपको मशीन के पास लेके चलता हूँ एंड वहाँ पर जाके दिखाता हूँ प्रॉपर सिस्टम होता कैसे है। ये देखो, ये जो इस साइड पे है ये है रास्ता अंदर आने के लिए एंड इस साइड पे बाहर जाने के लिए रास्ता लगा हुआ है। वहां पर जापनीज में लिखा हुआ है देकुची, मतलब कि एग्जिट। तो यार जस्ट बिहाइंड मी ये है मशीन जहां पर हम अपनी टिकट डालेंगे, बट थोड़ा सा दूर है ये, देखते हैं सीट बेल्ट खोल के। ये रही यार मेरी टिकट एंड मैं ये वाली टिकट डालूंगा मशीन के अंदर। ये देखो यहाँ पर एक सेक्शन है जहाँ से मैं टिकट डाल सकता हूँ। ये देखो यहाँ पर आपका टोटल बैलेंस आ गया कि कितने पैसे लगेंगे एंड मैंने क्योंकि कार्ड से पेमेंट करनी है तो मैं अपना कार्ड यहाँ डाल दूंगा। तो यार पेमेंट करके आपका यहाँ पर जो बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा। आप यहाँ से टिकट निकालेंगे तो सामने वाला गेट भी खुल जाएगा। यार जब आप ड्राइव कर रहे हो ना टोक्यो एरिया में स्पेशली, यहाँ पर ना एक्चुअली क्या होता है कि गाड़ी रखना काफी महंगा पड़ जाता है। एक मिनट, थोड़ा टाइट सा है, यहाँ से पहले गाड़ी निकाल लें। यार टोक्यो एरिया में ना अगर आप ड्राइव कर रहे हैं ना, तो मतलब कि काफ़ी लोग साइकिल वगैरह यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज गाड़ी रखना यहाँ पर काफ़ी महंगा पड़ जाता है, गाड़ी की पार्किंग काफ़ी महंगी होती है। तो ड्राइव करते टाइम ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज साइकिल की लाइन और जहाँ पर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो वाली लाइन ज़्यादातर एरिया में सेम होती है, तो काफ़ी साइकिल वाले साथ में चले रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है साइकिल वालों का कि साइकिल वालों की ना गाड़ी लग जाए या फिर कोई साइकिल आके आपकी गाड़ी में ना लग जाए। यार जस्ट रीच दैट भैयाज होम एंड अभी गाड़ी यहाँ पर थोड़ा रोड के साइड पे ही पार्क करी है। सामान वगैरह भी गाड़ी में रख लिया है। समृति अभी थोड़ा सा तैयार होके नीचे आने लग रही है एंड उसके बाद हम जाएंगे अपने घर। एंड यार आज की वीडियो में ना आपको थोड़ा टोक्यो के ना शॉट्स वगैरह दिखाऊंगा, बड़े ही अमेजिंग यार शॉट्स आएंगे रास्ते में जहाँ से हम अभी जाने वाले हैं। A few moments later. यार अभी ना हम चढ़ने वाले हैं हाईवे पे एंड यहाँ का हाईवे का सिस्टम आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। अगर आप सामने देख सकते हैं वहाँ पर गेट बना हुआ है जहाँ पर हमें स्टार्टिंग में कार्ड वगैरह लेना होता है, या फिर जैसे इंडिया में होता है ना फास्ट ट्रैक वाली लाइन, वो है लेफ्ट साइड पे, वहाँ उसको बोलते हैं जापान में ATC, बट हमारी गाड़ी में ATC नहीं है तो हम कार्ड से पहले पेमेंट कर देंगे। तो यार हम अभी कर रहे हैं कार्ड से पेमेंट एंड कार्ड से पेमेंट करके हम हाईवे के अंदर एंटर कर सकते हैं।
तो उसने कार्ड से पेमेंट वगैरह काट ली है एंड अभी हम एंटर हो गए हैं यहाँ से अपना हाईवे के अंदर। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर क्योंकि गाड़ियों की स्पीड यहाँ पर काफ़ी होती है अराउंड, यहाँ पर देखो स्पीड लिमिट वगैरह लिखी हुई है 60 की एंड थोड़ा सा आगे जाएंगे वहाँ पर 110 तक स्पीड लिमिट वगैरह होती है यहाँ पर एंड कई जगह पे उससे थोड़ी ज़्यादा भी होती है स्पीड लिमिट, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एंड यार जैसे अभी हमने पेमेंट वगैरह करी ना कार्ड से स्टार्टिंग में, कई जगह ऐसे होता है कि आपको स्टार्टिंग में पेमेंट वगैरह नहीं करनी होती, मशीन लगी होती है, जैसे हमने पार्किंग में से टिकट निकाली ना वैसे ही उस मशीन से एक टिकट निकलती है एंड जब आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं आप वो टिकट डाल देते हैं एंड वहां पर आपको पूरा बिल दिखा देते हैं कि हाँ भाई कितना बिल आया है, तो उस टाइम पे आप पेमेंट वगैरह करके आपका गेट खुल जाएगा एंड आप हाईवे से बाहर निकल सकते हैं। ये है यहाँ पर जापान का हाईवे का सिस्टम। तो आज जो मैं यहाँ पर भी आपको व्यू दिखाता हूँ, अभी असली जो व्यू है ना वो अभी आएगा बिकॉज अभी हम पहुंच गए हैं टोक्यो के मेन एरिया में एंड अभी मेन व्यू शुरू होएगा, तो मैं आपको वो रिकॉर्ड करके अपनी क्लिप्स में थोड़ा सा दिखाता हूँ कि हाँ भाई टोक्यो का एरिया किस टाइप का दिखता है। अभी हम ना हाईवे पे आ चुके थे, आपको मैंने थोड़ा बहुत व्यू दिखा दिया टोक्यो एरिया का, आई होप कि आपको यार अच्छा लगा होगा। एंड ना जापान में जहाँ पर हाईवे पे आप चढ़ते हो ना तो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के दूर पे आपको रेस्ट रूम वगैरह एरिया, अगर आपने वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है वो होता है, आप वहाँ पर जाके वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अभी हम उसी टाइप के एक एरिया पे आए हुए हैं, मैंने यहाँ पर एक बारी गाड़ी रोक ली थी जस्ट टू शो यू कि यार यहाँ पर किस टाइप की फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं। ये देखो इस साइड है मेंस वॉशरूम एंड दूसरी साइड है वुमेंस वॉशरूम, अगर यूज़ करना होता है किसी ने तो यहाँ पर आके अपनी गाड़ी स्टॉप कर सकते हैं हाईवे पे एंड आप यहाँ पर आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपने यहाँ पर कोई ड्रिंक वगैरह लेनी है तो ये देखो वेंडिंग मशीन लगी हुई है, आप यहाँ से ड्रिंक परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा यार नॉर्मली यार यहाँ पर जो रेस्ट करने का एरिया होता है ना वहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर या फिर खाने की जगह वगैरह भी होती है कुछ कुछ डिस्टेंस पे, बट कुछ अपना यहाँ पर रेस्ट करने के एरिया हाईवे पे ऐसे होते हैं जहाँ पर बस वॉशरूम वगैरह होते हैं या फिर आप गाड़ी रोक के अपना थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरे साइड पे देख सकते हैं ये ट्रक वगैरह खड़े हैं यहाँ पर ताकि ये अपना एक दो घंटे की नैप वगैरह लेके दोबारा अपना ड्राइव वगैरह कर सके, तो ऐसे टाइप का एरिया इन्होंने हाईवे के थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे बनाया होता है। तो यार ये पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर अपना हाईवे से एग्जिट करने एंड इस टाइप की मशीन लगी होती है, हम ये वाला जो टिकट मिली थी ना हमें वो यहाँ पर डाल देंगे। एंड अभी कार्ड डाल के हम पेमेंट कर देंगे। तो यार इसी के साथ पेमेंट करके सामने वाले जो गेट है ना वो खुल गए हमारे एंड अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो यार ये था सिस्टम जापान के हाईवे का एंड आपको मैंने अपनी वीडियो में थोड़ा सा टोक्यो का व्यू भी दिखा दिया। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो देख के एंड एक आइडिया हो गया हो कि यार टोक्यो किस टाइप का है एंड यहाँ पर अगर आप हाईवे यूज करने वाले हैं इन कार तो आपका सिस्टम किस टाइप का होने वाला है। चलो यार इसी के साथ हम अपनी ना आज की वीडियो जो है वो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक जरूर कर देना एंड अगर मेरे लिए कोई रिक्वेस्ट है तो उसके बारे में भी बता देना। विद दिस हम अपनी आज की वीडियो एंड करते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे.